सब्सक्राइब कीजिए बीएल टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो गाइड्स, आज मैं बताने वाला हूं आपको मैग्नेटोन कैसे चेक किया जाए और पुराने मैग्नेटोन को कैसे रिपेयर किया जाए। ये हर मैकेनिक को ज़रूरत होती है। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। ये है अपने पास ग्लेंथ का मैग्नेट्रॉन। इसको हम लोग चेक करेंगे। ये या तो डायरेक्टली मैग्नेट माइक्रोवेव में डाल के चेक कर सकते हो या फिर कंटिन्यूटी से चेक होएगा। कंटिन्यूटी से अपने को सबसे पहले चेक करना है इसका होल्डर। होल्डर से ग्राउंड तो नहीं दिखा रहा है, ये ग्राउंड दिखा रहा है, मतलब मैग्नेट्रॉन गया है। उसके बाद में दूसरा चेक करना है मैग्नेट जो टूटा हुआ तो नहीं है, दोनों साइड से चेक कर लेना है। और आगे का कैप देखना है, कैप कहीं जला हुआ है तब भी मैग्नेट्रॉन गया हुआ रहता है। दोस्तों तीनों चीज़ चेक कर लिया, सिर्फ ग्राउंड अपने को बता रहा है होल्डर। अब अपने को इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना है वो बताते हैं। सबसे पहले अपने को इसका पीछे का कवर खोलना है। स्क्रू ड्राइवर से नॉर्मल हाथ से ठोकेंगे तो निकल जाएगा वो। खुल गया कवर। अब ये होल्डर के चारों बाजू होल है, उसमें ड्रिल मशीन से 1/8 का पाना लेके हल्का हल्का मारना है, से उसका लॉक टूट जाए और होल्डर निकल जाए। ये है पुराना एकदम स्क्रैप बंगार मैग्नेट्रॉन। जो इसका ये होल्डर है वो ओके है। अपने को ये जो रिपेयर करना है उसका होल्डर खराब है और इसका होल्डर अच्छा है। ये मैंने पुराना मैग्नेट्रॉन संभाल के रखा था जो अभी इस वक्त ये काम आ रहा है। इसका होल्डर हम लोग निकाल लेते हैं। आराम से निकालना है ताकि इसके दोनों साइड में सोल्डर रहता है कॉपर वायर, वो टूट ना जाए। दोबारा आपसे सोल्डर होगा नहीं। वायर को ऊपर कर के बीच में से कटिंग करना है दोस्तों। एक साइड से कटिंग नहीं करना है ताकि दूसरे मैग्नेट्रॉन में लगाने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए अपने को इजी रहे। ये निकल गया अच्छा वाला एडाप्टर होल्डर जो भी बोलो। इसका होल्डर खराब है जिसका कटिंग कर रहे हैं। एक बार होल्डर चेक कर लेना है, मिस्टेक से मिक्स ना हो जाए और गलती से पुराना ही वापस ना लग जाए। जैसे चेक हुआ ये ग्राउंड दिखा रहा है, इसको फेंक देना है। ये ओके सही दिखा रहा है दोस्तों। इसके दोनों मुंह को वायर जो है इसके ऊपर पॉलिश रहता है, इसको फाइल पॉलिश पेपर या कैची के धार से घिस देना है आगे के मुंह को ताकि वो गंदा वायर जो पॉलिश वगैरह है वो निकल जाए और जॉइंट मारने के लिए ईजी रहे। दूसरी बात, जहाँ पे जॉइंट मारेंगे वहाँ पे सोल्डर पकड़ने के लिए भी ईजी रहे। ये होल्डर को दोनों साइड में या चारों साइड में स्क्रू लगा के नट बोल्ट लगा के टाइट कर देना है ताकि हिले नहीं, फिक्स हो जाए पहले जैसा। ये देखिए फिक्स हो गया है, हिलने डुलने का काम नहीं। ये वायर बचा है, वायर को जॉइंट मारना है अपने को, एकदम परफेक्ट जॉइंट मारना है टाइट से। और हाथ से जॉइंट नहीं मारना है, पकड़ से जॉइंट मारना है, कारण एकदम मजबूत रहेगा ये।
हाँ, ये दोनों मुंह पे सोल्डरिंग मार देना है, जो लूज कॉन्टेक्ट नहीं रहे और स्पार्क होने का कुछ चांसेस नहीं रहे। दूसरी बात, साइड में बॉडी को टच नहीं होना चाहिए, ये जहाँ पे फ्रेश करके दबा के छोड़ रहे हो, और ऊपर का कैप को भी टच होने जैसा नहीं रहे, एकदम अंदर साइड साइड हो जाए। टैप नहीं मारेंगे तब भी चलेगा। चेक कर लिया, ओके हो गया अपना। मीटर से भी चेक कर सकते हो या कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हो। दोनों से चेक कर लिया, मैग्नेट्रॉन अपना ओके हो गया है। पीछे का सिर्फ ढक्कन लगाना है अपने को, और नॉर्मल प्रेस कर देंगे या थोड़ा सा मार के पैक कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। ये हो गया अपना मैग्नेट्रॉन ओके। और दूसरा, ये पुराना स्क्रैप मैग्नेट्रॉन होता है, उसका होल्डर संभाल के रखने का, पहले चेक कर लेने का ओके है, उसको संभाल के रखने का, ताकि आगे जाके अपने को काम आ सके। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।